तो हम बात करेंगे आज पैथनिंग क्लास में अपने लिस्ट और वीएस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ए लिया और ब्रैकेट के अंदर में हम कुछ नंबर दे देते हैं, ए लिस्ट कहलाता। क्या कहलाता है? लिस्ट कहलाता। जरूरी कि लिस्ट सिर्फ नंबर होगा, हम इसके अंदर जो है अपना नंबर और टैग्स दोनों कर सकते हैं। ठीक है, नंबर और टैग्स दोनों कर सकते हैं। और इससे पहले कई सारे बार हमने इसका यूज किया भी था। इस तरह से नंबर और टैग्स दोनों को रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें स्क्रीन का सारा वो सिस्टम चलता है जो मैंने सिर्फ पहले आपको समझाया है, वो सारी चीजें करते हैं। हम जो है लिस्ट जो है रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं। जी हाँ, रेंज के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे P इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया रेंज, और रेंज के अंदर हम यहाँ पे कॉमा करके दे देते हैं। ये भी लिस्ट ही कहलाता। ठीक है, अब इस पे निकालना आपको, तो हम लोग लगाते हैं ना कि फोर आई इन। हम यहां पे दे देते हैं ए, और फिर इसके अंदर हम देते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम यहां पे दे देते हैं आई। तो जितना उसके अंदर होगा सब वन बाय वन आपका यहां पे प्रिंट आ जाएगा। बी ए क्या गया? पर रेंज तो क्यों नहीं ले रहा था? रेंज तो लेना चाहिए, पर रेंज से नहीं लेता है कि रेंज को सीक्वेंस में देना होता है। ठीक है, रेंज को सीक्वेंस में, जैसे मैंने यहां पे दिया एल इक्वल टू, मैंने यहां दिया रेंज, और रेंज में मिला कि 5 से स्टार्ट हो और 10 तक चलेगा। ठीक है, तो अब मैं कर सकता हूं इसमें प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में तो यहां पे फोर लूप लगा सकता हूं कि यहां पे कि फोर आई इन, हमने यहां पे एल कर दिया। और यहां देते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम एल करते हैं। सर 2 बाइन हो गया ना। ध्यान, ठीक है, 5 to 10, 5 to 9 गया। इस तरह से हम रेंज भी लेके चल सकते। तो अगर आपको कहीं से वैल्यू लेना है और आपको चाहते हैं कि वो एक एक साथ कई सारे वैल्यू एक ही लिस्ट में जाए, तो यहाँ पे हम इजीली लेके आ सकते हैं। तो ये लिस्ट कहलाता है। एक ही वेरिएबल्स पे कई सारे, से एरे होता है ना उस तरह से, एक ही वेरिएबल्स पे कई सारे लिस्ट अगर आपने लिया तो इसमें लिया, इसमें ऐड भी करते जाते हैं आगे चलकर। मान लीजिए कहीं से वैल्यू आपने लिया उसको ऐड करते जाना है, तो आप ऐड करते जा सकते हैं, अपेंड लगाइए तो ऐड होता जाएगा आप। ठीक है, और इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करूं कि प्रिंट, प्रिंट में मैं करता हूं एल डॉट सम ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज, तो जितने भी नंबर्स के अंदर होंगे उस सब का सम करके दिखा देगा। क्यों एलिमेंट सम क्यों नहीं होंगे?
ओके एक हम करता हूँ, ए डॉट सम करता हूँ, सही इंटीजर में नहीं है सर इसलिए ना। तो अगर मैं यहाँ करूँ एल इक्वल टू इन एल, देन सम करता हूँ, नहीं लिस्ट को आप कन्वर्ट इस तरह से नहीं कर सकते, बट सम आना चाहिए यहाँ पे इक्वल्स। ओ एक मिनट, देन सम नो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट टू सम, ए आना चाहिए, ए डॉट सम, सम है लेकिन सम ले लेगा ले। अब जैसे कि इसमें हम सम हटाते, फिलहाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन शायद नहीं ले रहा है, उसको कुछ और करना पड़ेगा, वो चक्कर होगा इसका डेटा टाइप्स का, बात बताता हूँ इसके बारे में। और जैसे यहाँ पे हम बात करें अपेंड का, इसमें हम मान लीजिए कि लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू अपेंड करना है, तो ए डॉट अपेंड, अपेंड में मान लीजिए मैंने कर दिया 60, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए, तो आप देखेंगे कि वो 60 को अपेंड कर देगा, देखिए 60 आ गया, पहले 65 ही था, लास्ट में इसने 60 जोड़ दिया, तो अपेंड क्या करता है, अपेंड कर देता है। अब यहाँ पे आता है इंसर्ट, जैसे यहाँ पे ए डॉट हमने किया इंसर्ट, अब इंसर्ट भी तो इंसर्ट करता है, तो अपेंड जो हुआ सबसे लास्ट में ऐड किया, मैंने बोला कि 0 पे जाओ और हमने बोला कि इसमें 55 ऐड करना है, तो अगर मैं प्रिंट लेता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 0 पे आपका ए कर दिया, आपका यहाँ देखिए 65 कर दिया, स्टार्टिंग में 50 कर दिया, तो इंसर्ट पोजीशन के हिसाब से इंसर्ट हो, इंसर्ट जो है आपका इसके हिसाब से होता है। अब इसी पे अगर मैं करता हूं ए डॉट काउंट, तो काउंट आना चाहिए इसका, ए काउंट है लेकिन काउंट सही तरीके से दिखाया है इसने, काउंट आना चाहिए इस तरह से। उसके बाद इसमें आप जो है काउंट कर सकते हैं, इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट अगर देते हैं तो वो शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो आपको इसके अंदर जो डेटा है उसको शॉर्ट कर दे, 10, 30, 50, ये आपका शॉर्ट कर दे। तो लिस्ट में हालांकि लिस्ट का उतना बड़ा काम होता नहीं है, लेकिन हाँ लिस्ट जो है आपको एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि तो आगे चलकर कई बार क्या होता है कि हमें डेटा मतलब प्रोग्राम के रन टाइम में चाहिए होता है, हमें डेटा से एक्सेल में हमने सेव कर दिया, सेव से नहीं उठाना होता, हमें एक रन टाइम उठाना होता है, भाई ये जब तक ये चल रहा है, सेशन चल रहा है, तब तक इसको स्टोर करें, फाइनली जाके फिर सेम सेम करें, तो उस केस में इसका यूज हम लोग करें। अब लिस्ट को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिस्ट के साथ बात करते हैं टूपल का, तो स्क्वायर ब्रैकेट ए जो आप देख पा रहे हैं, ए जो हुआ ये आपका आता है, ये आपका लिस्ट आता है। अगर मैं यहीं पे अगर c इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में डालूं तो वो आपका ट्यूपल कहलाता है, जैसे 10, 20, 30, 50 जो भी आप डालते हैं यहाँ पे, बहुत हो गया कॉमा कॉम, ये आपका क्या कहला है, ये आपका लिस्ट कहला है, सॉरी ये ट्यूपल कहला, ठीक है। तो ब्रैकेट में जितने भी होंगे
टू प्राइम, और प्राइम के अंदर भी आपका जो है जो देना चाहे वो दे सकते। ठीक है, और बाकी सारे जो मेथड है लिस्ट पे जो चलते हैं, इससे पहले प्रिंट पे बताया था आपको, तो सारे इसके अंदर चलेंगे उसके, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी इसके अंदर डालना चाहते हैं आप आराम से डाल सकते हैं। टूपल के बाद आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी डायरेक्टरी जो होता है डायरेक्टरीज की तरह काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे, हमने यहाँ पे एडी किया, एडी इक्वल टू, और डायरेक्टरीज के लिए यहाँ पे हमने सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर, ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो आपका डायरेक्टरीज के लिए होता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे आईडी, आईडी यहाँ पे आईडी कॉमा, नहीं कॉमा नहीं होता है यहाँ पे, सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया पूजा। अब यहाँ पे कॉम आई डी तो है ना, 5 है ना आई डी यहाँ पे, और टेक्स्ट नहीं है, नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 5 कर दिया। फिर यहाँ पे हमने सिंगल कोट में डाला नेम, नेम, और हमने यहाँ पे सेमी कोलन दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया पूजा। फिर कॉमा यहाँ पे हम डालते हैं एड्रेस, हमने यहाँ पे डाल दिया न्यू बैग, कल बैग कोच। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम करते हैं ऐड, और ऐड के स्क्वायर ब्रैकेट में अब यहां पे क्या देना है, तो हमको देना है आईडी। तो इसे प्रिंट दिया आपने, तो आपको प्रिंट में क्या चाहिए वो चीज यहां पे प्रिंट कर सकते हैं, या जो भी चाहिए आगे कभी भी कहीं भी कुछ चाहिए तो आप प्रिंट प्रिंट कमांड लगाया, प्रिंट ये रहा। ठीक है, सिंपली इसको आप रन कर सकते हैं। यहां देखिए ऊपर में आएगा ना आईडी 5, 5 आया, नीचे ये लगा हुआ है, इसको कट कर कट हटा देते। ठीक है, तो आपने 3 चीज समझा। पहला, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो लिस्ट है, नॉर्मल ब्रैकेट में है तो टुपल है, और कर्ली ब्रैकेट में हम जो डालते हैं वो डालते हैं डायरेक्टली इसको। तो डायरेक्टरीज में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या डाल रहे हैं, बाकी में सिर्फ डेटा डालते चले जाइए, सेम टाइप ऑफ द डेटा, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा और डेटा विथ हेडिंग्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। डालने का तरीका जो मैंने बताया वो तरीका आपके सामने। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैं कर देता हूँ एडी डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा को क्लियर कर देगा। ठीक है, या फिर एडी डॉट कॉपी, तो डेटा कॉपी कर रहे, और कहीं पे जाकर पेस्ट करना है तो इसको आप पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह की जो ऑपरेशंस है हम इस डायरेक्टिव पे कर सकते हैं, जो भी डायरेक्टिव है उसके ऊपर इस तरह का ऑपरेशंस आसानी से कर सकते। इसके अंदर लूप वगैरह सब कुछ चला सकते हैं, जो जनरली आप चलाते हैं सारे लूप इसके अंदर चला सकते हैं। तो डेटा स्टोर करने का काम करता है आपका डायरेक्टिव। 3 चीज समझ में आ गया, 3 4 सॉरी 4 ना, लिस्ट टूपल, लिस्ट समझे, टूपल समझे, और डायरेक्टरी समझे, 3 चीज समझे ना, 3 चीज। कोई दिक्कत इसमें सर? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अभी तो मैं समझाया आपको, चलिए हम कुछ एग्जांपल इसको देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लिस्ट से, लिस्ट और टोपल की एग्जांपल्स। चलिए यहां पे
हम सिंपल सा n इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट में हम 20, 30, 40, 90 इस तरह से 80 कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर मान लीजिए कि टोटल लिस्ट प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट में कुछ जो नरेशन देना चाहते हैं कि टोटल लिस्ट, और यहाँ पे हमने स्पेस और यहाँ पे कॉमा हमने एन कर दिया, तो टोटल लिस्ट आपके यहाँ पे नीचे पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे देना है कुछ नरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे किया प्रिंट, प्रिंट में हमने यहाँ पे वन डॉट यहाँ पे वन डॉट इनवर्ट को मान देता हूँ सही रहेगा, और यहाँ पे स्पेस और परसेंटेज डी कर दिया, क्या कर दिया परसेंटेज डी, देन कॉमा टू डॉट स्पेस एंड परसेंटेज डी, कितना टोटल 5 है ना, स्पेस 3 डॉट परसेंटेज डी स्पेस 4 डॉट परसेंटेज डी स्पेस 5 डॉट परसेंटेज डी डी और सिंगल कोट के साथ यहाँ कॉमा कॉमा यहाँ पे हम एंटर, और रन होगा देखिए यहाँ पे। बट ये 1D 2D क्यों है? यहाँ पे कॉमा नहीं देना सर, कॉमा नहीं, यहाँ पे परसेंटेज एम करना है, बट फिर भी नहीं आया। ओके, तो एन यहाँ पे हमने एन 0 एंड कॉमा एन 4, इंडिया ब्राइकेट यहाँ पे कॉमन नहीं लगा ना, ओ सॉरी यहाँ एन नहीं है, ऊपर क्या लगा दिया मैंने, परसेंटेज ब्रैकेट एन 0 कॉमा एन 4, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहां पर, क्या हो गया, रात की क्लास है सर इसलिए। हाँ वन एंड 20, 5 और 20, यहाँ पे सब देना पड़ेगा, रेंज नहीं होगा, ऐसे लूप लगाना पड़ेगा, इसके बाद रेंज दे सकते हैं, और इसको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे पूरा देना पड़ेगा 2 3 4 5 6, तो आप इस तरह से लूप भी लगा सकते हैं यहाँ पे, फिर 4 i in इन किसके अंदर, एन के अंदर, और फिर यहाँ
में करना है, प्रिंट, प्रिंट में वन कॉमा वन होगा, आई होगी, आई नहीं, यहाँ पे एक काम और कर दें, आर इक्वल टू आर प्लस वन, और यहाँ पे आर देते हैं, यहाँ पे डॉट देते हैं, स्पेस देते हैं, कॉमा, और यहाँ पे आई देते हैं। देखिए ओके, आर इक्वल टू इंट आर, वो आई इंड इन आर, आर इक्वल टू प्लस आर इंड आर, कॉमा आई, सही वर्क करना चाहिए, एरर क्यों आ रहा है समझ में यार। ओके इसको कट करते हैं एक बार, इसको क्लोज करते हैं, लग रहा है एडिट मोड में चल रहा है। पहले लाइन एरर दिखा रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम ही दिक्कत कर रहा है जी, लग रहा है ना कि रन करते हुए ही मैंने उसको ये चला दिया है। यहाँ पे लिखते हैं फोर आई इन एन प्रिंट आई, प्रिंट चला गया, चला गया। सीन नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा नहीं आ शायद, रहा बात नहीं, तो शेयर आप यहाँ शायद, शेयर नहीं, शेयर है लेकिन शेयर है। है क्या? शेयर है ठीक क्या? है ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये डाला, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ आर इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर हम करते हैं जीरो, देन यहाँ प्रिंट के ऊपर करते हैं आर इक्वल टू आर प्लस वन, और फिर यहाँ आर कॉमा डॉट कॉमा स्पेस एंड अगेन कॉमा हमने आई कर, अब इसको रन कर, यहाँ देखिए 1.20 30 40 68, सीधा प्रोग्राम, बट वही था कि एक बार रन होने के बाद मैंने स्टॉप, मैंने कहीं एरर आ गया था, स्टॉप नहीं हुआ था, इस कारण से यहाँ पे कंपाइलर दिक्कत कर रहा है। जिससे कि दिक्कत हो तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए कंपाइलर, ठीक है? या फिर एक तो एक तरीका है, दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं व्हाइल, कि व्हाइल व्हाइल में हमने दिया कि आई
इज लेस देन लेन, और लेन के अंदर हमने कर देते एन, और फिर यहां पे मान लीजिए हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम करते हैं आई। एक तरीका इस तरीके से भी वे अलग अलग आ सकते हैं, वो भी आपको सेम इसी तरह से देगा। और यहां पे आप कर दें आई हो गए, यहां पे आई आई प्लस इक्वल वन। और ये यहां पे हम एन देना पड़ेगा, एन ब्रैकेट। और आई इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ऊपर में। वैसा प्रॉब्लम तो आ गया कि ऊपर हम आई दे रखे हैं ना, तो ऑलरेडी आई इस पे है, नंबर्स हैं, इसलिए नहीं चल रहा था। तो आई इक्वल टू 0 करके आई को पहले 0 कर दिया, फिर वाइल लगाया कि आई इन की जो लेंथ है उसे छोटा है तब तक प्रिंट करता रहे, और फिर आगे सिक्वेंस करते रहे। इस तरह से इंतजार हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट में हम अपेंड भी कर सकते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि लिस्ट में इजीली अपेंड कर सकते हैं। अब यहां पे एक काम और करते हैं, यहां पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू, हम अपना लिस्ट देते हैं 20, 30, 40, 50, 60, और फिर हम यहाँ पे ए इक्वल टू 20 करते हैं, ठीक है। अब सिंपल सम करते हैं प्रिंट, प्रिंट में लिखते हैं कि ए इन एक्स, ए इन एक्स, तो यहाँ पे ट्रू आया, मतलब ए की वैल्यू, ए जो है वीलू का की तरह काम करेगा कि ए इसके अंदर है या नहीं है वो आपको देगा। अगर हुआ तो ट्रू आएगा, नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा। इस तरह से आप चेक भी कर सकते। ठीक है, अगर दोनों के बीच में हुआ तो कर सकते हो, दबाई नहीं कर सकते। अब क्लोनिंग की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा ए इक्वल टू और एक्स, एक्स में हमने से सेमी कॉलन दे दी। अब देखिए यहां पे हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट ए, तो क्या होगा दिखा आपको। तो ये आपने अगर क्लोन करना है कि भाई एक्स की जो वेरिएबल है वो पूरा का पूरा वेरिएबल वो ए पे आ जाए, तो बस क्लोनिंग करने का जो तरीका बताया कि सिंपल सा ही क्लोनिंग हुआ, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स डॉट कॉपी, पर प्रिंट क्यों नहीं आई। सॉरी, कॉपी ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा शायद, फंक्शन है ना, आगे नहीं चाहिए। तो आप इससे कॉपी से भी कर सकते हो कि पूरी की पूरी एक वेरिएबल कॉपी होके ना, एक लिस्ट कॉपी होके, एक टुपल या जो भी एक हो कॉपी होके दूसरे के ऊपर स्टोर हो जाता है, ठीक है।
तो ये आपका था, हम इसको देख लेंगे। कल जो है हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, OOPS की बात करेंगे, जिसमें हम क्लास और क्लास रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास रूल्स आपके साथ लाएंगे। तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल मिलते हैं सेम टाइम।